नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसका प्रयोग आप अपनी बागवानी में कर सकते हैं, क्योंकि हम केमिकल का यूज अपनी गार्डनिंग में नहीं करना चाहते हैं, खासकर सब्जियों में और फलों वाले पौधों में। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। आज मैं बात करने वाली हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में। सीवीड जो फर्टिलाइज़र है वो समुद्री जो घास होती है, जो काई जमी हुई होती है, उससे बनाया हुआ होता है, तो इसलिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसका यूज आप आराम से अपने किसी भी पौधे में कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इसमें बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे माइक्रो और मैक्रो, जिनकी ज़रूरत हमारे पौधों को होती है। खासकर जैसे कि हमने कोई सीडलिंग करी है और उस टाइम उसको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इसका प्रयोग करना है। और देखिए, जो मेरा आप ये देख रहे हैं नीचे वाला एंट्रेंस गार्डन, खासकर इन पौधों में मैं सीवीड फर्टिलाइज़र का प्रयोग अक्सर करती हूँ हर मंथ। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो ये देखिए, ये सीवीड फर्टिलाइज़र लिया है मैंने और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और इसमें देखिए, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, जितनी भी चीज़ें पौधों को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब इसको तैयार करते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें हम प्रयोग करेंगे सिर्फ आधा चम्मच का। तो इसको हमें डालना है 1 लीटर पानी में, आधा चम्मच काफ़ी है। और ध्यान रखें, अगर आपके घर में पेट है ना तो उनको आने ना दें। अगर इससे मैं बोलूँगी कि आपको नहीं आना है यहाँ पे तो ज़बरदस्ती आएगी, इस वजह से शांति से बैठी है और इसी वजह से मैं कुछ नहीं कह रही हूँ उसे। इसका प्रयोग हम करेंगे, देखिए इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स पर और इसको हम पानी में भी, मिट्टी में भी डाल सकते हैं। सॉरी, हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और मैंने देखिए दो जगह तैयार करा हुआ है, एक इधर इस जार में है और एक ये स्प्रे बोतल में है। तो इसको कर लेते हैं बंद, फिर हम अपने प्लांट्स में इसका छिड़काव करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट है और इसे अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो हम इसमें इसका प्रयोग करेंगे। इसमें हम आधा डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। और इसमें डालेंगे हम विक्टोरिया ड्रेसिना में। और इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं अपनी पत्तियों पे, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका प्रयोग आपको महीने में या 2 महीने में सिर्फ एक बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसी तरह आप अपने सभी पौधों में डालें। तो आप मेरे पौधे देख ही सकते हैं कि कितने हेल्दी और हरे भरे रहते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से चल रहे हैं सारे प्लांट्स। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एक चीज़, देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे प्लांट में सबसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत होती है ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। तो इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसके इसमें भी डालेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।